न्यूक्लियर बॉम्ब का ये लोग ने, न्यूक्लियर बॉम्ब सच्चा है कि नहीं अपन एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन फेक है, क्योंकि पहले बोल रहे थे नागासाकी और इधर बॉम्ब गिराया था, 10 साल रेडिएशन रहेगा, वो रहेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। फिर अभी टोक्यो में अर्थक्वेक हुआ था, तभी समुंदर का पानी इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे गया था, तो रेडिएशन लीक हो गया, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, पर वैसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मच्छी विच्छी सब कुछ तो ठीक ही है। फिर चेर्नोबिल रेडिएशन लीक हुआ बोलते, लेकिन उधर जंगल है, जंगल में जानवर है हट्टे कट्टे, तो रेडिएशन फेक है, लेकिन बॉम्ब फेक है कि नहीं मालूम नहीं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब और रेडिएशन के बेस पे ये लोग ने एनर्जी कंट्रोल किया, न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रोल किया, और इतने नियम बनाए कि एनर्जी रिस्ट्रिक्शन करके ये लोग ने दूसरे देश का प्रोग्रेस रोक दिया, ये बेस पे, बॉम्ब और रेडिएशन के बेस पे। तो सिमिलरली अभी ये लोग कंप्यूटर पे बैठ के एआई से कोई वायरस बना लेगा और छोड़ेगा और सब लोग को मार डालेगा, ये होक्स पे। ये अभी एआई रेगुलेशन लाएंगे, एआई रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, जिसमें बेसिकली सरकार सारे मनचाहे हथियार बना सकेगी, सरकार मनचाहे फेक वीडियोस बना सकेगी, लेकिन जो नॉर्मल सिटीजन है उसको एआई एक्सेस लिमिटेड और रिसर्च लिमिटेड रहेगा, वो हथियार नहीं बना सकता है और वो फेक वीडियो नहीं बना सकता है। मतलब गॉड लाइक पावर सरकार के पास होगी, आम आदमी के पास रिस्ट्रिक्शंस होंगे, और ये लोग जो रेगुलेट करो रेगुलेट करो, प्लीज़ रेगुलेट मी डैडी जा रहे हैं सैम अल्टमैन और ये सब, तो रेगुलेट क्या करने का, कैसे करने का, ये लोग उनको बताएंगे। तो बेसिकली कंपनी के, इनका मतलब डोमिनेंस हो जाएगा, सरकारी रेगुलेशन कैसे करने का, ये लोग सरकार को डिक्टेट करेंगे और इनका डोमिनेंस हो जाएगा। तो बेसिकली ये लोग नए लोगों को एंट्री नहीं देंगे। एक बार एजीआई बन गया, अभी ये लोग जो अपने को दे रहे हैं वो बेसिकली टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है देखो, तो फीडबैक के लिए कि कैसा है हमारा प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोग दे रहे हैं अपने को टेस्टिंग के लिए। और एजीआई एएसआई जो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ये वो सब, एक्चुअली पैसे का वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार तुम्हारे पास गॉड लाइक पावर आ गई तो पैसे का कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि जो चाहिए वो तुम बना सकते हो, जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। तो जो पुराना फंडा है कैपिटलिस्ट मॉडल, बिजनेस मॉडल का, दैट रियली डज नॉट अप्लाई हियर। वैल्यू तभी आता है जब शॉर्टेज रहता है और डिमांड है और सप्लाई का गैप, लेकिन इधर तो कुछ शॉर्टेज ही नहीं है, तो ऐसा कैपिटलिस्ट फंडाज इधर वर्क नहीं करता है। और अगर ये अभी क्रिप्टो में रेगुलेशन ये सब अपन बात करते हैं, लेकिन एआई रेगुलेशन ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एआई इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग। तो ये लोग रेगुलेट चिप लेवल पे करेंगे, चिप का एक्सेस नहीं देंगे, और यूएसए में ऐसा कुछ है
अभी मैं कुछ वीडियो में देखा कि कंप्यूट इसके ऊपर रहेगा तो केवाईसी देना पड़ता है, ऐसा कुछ है, तो उधर रिस्ट्रिक्शंस डेटा सेंटर पे लगाए हैं आम आदमी पे कि ये लेवल के ऊपर कंप्यूट करने का है तो केवाईसी लगेगा। तो मतलब रेगुलेशन जो होगा वो अपने लिए होगा और सरकार के लिए नो रेगुलेशन वैसा होगा। चिप लेवल पे रेगुलेशन होगा, हार्डवेयर पे रेगुलेशन। अभी कोई घर पे बैठ के बनाएगा एआई तो इंटरनेट बैंडविड्थ कितना कंज्यूम करता है, कंप्यूट कितना है, वो बेस पे दे विल फाइंड आउट। जैसे पुराने ज़माने में चाइनीज़ कुंगफू वाले पिक्चर, तो उधर कैसा था, शाओलिन और ये बेसिकली रेबेलियन टाइप लोग थे। तो राजा कैसा, अरे कुंगफू कौन सीख रहा है, कराटे का क्लास किसने लगाया, तो हाँ कराटे का क्लास क्यों लगाया तुमने, इसका मतलब तू मारामारी करने वाला है, किसके साथ, सत्ता के साथ। तो वैसा चलता था, ये लोग ढूंढते थे कराटे का क्लास कौन लगाया, तो वैसा ही ये लोग ढूंढेंगे मैथ्स का क्लास कौन लगाया। हाँ मैथ्स काय को लगाया तू, मैथ्स काय को सीख रहा है, ताकि तू एआई बना सके और फिर कंप्यूट करके तख्ता पलट कर सके, ऐसा। मैथ्स का क्लास किसने लगाया उसको ढूंढेंगे, चिप किसके पास है उसको ढूंढेंगे। तो वैसा, और ये कॉरपोरेट्स जो है, जो टॉप लेवल पे है ये प्रोडक्ट पे, दे विल डिक्टेट एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सीरियस टाइप हो जाता है। एक्चुअली देखो, अभी क्लिफाई बोलता है एआई ही डजंट अंडरस्टैंड, समझता नहीं उसको, नहीं ठीक है समझता नहीं उसको, पर वो बना के देता है, ही डज लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स, इट डज थिंग्स विच ह्यूमन्स कैन नॉट डू, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आदमी करेगा तो, ये मिनटों में कर देता है। तो अंडरस्टैंड करता है कि नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, काम करके देता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो ये टूल्स यूज़ करेगा उसका एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सीरियस प्रोडक्ट है, लेकिन एजीआई तो बना ही रहेगा, इनके पास तो रहेगा। धीरे धीरे इसका जब भी एबिलिटी बढ़ते जाएगा, ड्रग्स दवाई मतलब, और हथियार, इसमें भी काफ़ी वॉर गेम स्ट्रेटजीज, ये भी काफ़ी बढ़ेगा और काफ़ी इसमें हाइपर प्रोग्रेस होगा, सिर्फ अपने पास नहीं होगा उनके पास होगा। तो ये केस में अपना लेवल मुंगी जैसा हो जाता है, मुर्गी मुंगी, और उनका लेवल गॉड जैसा हो जाता है। ये चीज़ रेगुलेशन से होगा। अभी क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं है, मतलब जो क्रिप्टो में है उनके लिए इम्पैक्ट है, लेकिन जो क्रिप्टो में नहीं है उन पे उतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन एआई का इम्पैक्ट हर एक पे है, तो ये बड़ा चीज़ है एआई रेगुलेशन, एक्सेस, चिप्स, कंप्यूट और मैथ्स का क्लास, जो सरकार बाद में, अरे मैथ्स का क्लास लगाया क्यों लगाया, एआई बना रहा है सरकार के खिलाफ और वैसा मतलब ट्रैकिंग करेंगे।